माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुक्रवार को लखनऊ में मुलाकात की। यह मुलाकात मुख्यमंत्री के कार्यालय में हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर बातचीत हुई। राज्य सरकार और मिलिंडा एंड बिल गेट्स फाउंडेशन के बीच वर्ष 2012 में सहयोग को लेकर एक समझौता हुआ था। इस समझौते की अवधि इस साल समाप्त हो रही है। योगी से करीब 45 मिनट चली उनकी मुलाकात में गेट्स ने मुख्यमंत्री से राज्य में निवेश की इच्छा जताई और साथ ही कहा कि वह जनहित के अन्य कार्यों में भी हाथ बटाना चाहते हैं। विशेष रूप से उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता अभियान, कुपोषण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने की इच्छा जताई। प्रमुख सचिव सूचना एवं पर्यटन अवनीश अवस्थी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ने बिल गेट्स को बताया कि इस बार सूबे में 92 लाख बच्चों को इंसेफलाइटिस का टीका लगाया गया है। वहीं गेट्स ने भरोसा दिलाया कि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज स्थित रीजनल वेक्टर डिजीज सेंटर को मजबूत करने में वह सहयोग करेंगे। गौरतलब है कि गेट्स की संस्था बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन उत्तर प्रदेश में पहले से ही काम कर रहा है। गेट्स के आने के एक सप्ताह पहले उनकी संस्था के प्रतिनिधि प्रशांत शुक्ला ने मुख्य सचिव राजीव कुमार से मुलाकात कर एक एक बिंदु पर चर्चा की थी। फाउंडेशन की मंशा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना।